हेलो जैन छात्रों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आईटीआई छात्रों के कमेंट्स देखने के बाद ही मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं आईटीआई ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दिए हैं और वे छात्र आईटीआई रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और साथ में वे छात्र आईटीआई रिजल्ट के बारे में कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो फाइनली मैं बिल्कुल नोटिस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैक परीक्षा ईडी प्रैक्टिकल के स्टूडेंट हैं वे छात्र बहुत ही सभी अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी आईटीआई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उनको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी भरना है। तो कब तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा मैं बिल्कुल नोटिस के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। उससे पहले, आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं हमारे चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा के आप सेट कर लेना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोगों का यह एनसीपीटी एमआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर फाइनली आप लोगों का नोटिस भी आ चुका है, तो आप लोग यहाँ से फाइनली डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को नोटिस पर लेकर चलता हूँ और वहीं से आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई बैक परीक्षा, चाहे उनका एनुअल का हो, चाहे उनका सेमेस्टर का हो, चाहे उनका 6 मंथ का कोर्स हो, या फिर 1 साल का कोर्स हो, या फिर डुअल सिस्टम का कोर्स हो, तो फाइनली सभी छात्रों का जो बैक परीक्षा ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम था, फाइनली आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। तो अब आप लोगों को अब रिजल्ट का इंतजार है, और यहाँ पर आप लोगों का कॉपी कब तक चेकिंग होगा यह भी आईटी छात्र पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सत्रों का यहाँ पर एग्जाम था। तो देखिए, 2018 से 2019 फर्स्ट ईयर 6 मंथ, 2018 से 2020 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 ईयर ट्रेड, और 2019 से 2020 फर्स्ट ईयर 6 मंथ, 2019 से 2021 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ईयर ट्रेड, 2020 से 2021 फर्स्ट ईयर 6 मंथ, 2020 से 2022 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ईयर ट्रेड, और 2021 से 2022 फर्स्ट ईयर 6 मंथ, 2021 से 2023 फर्स्ट ईयर आप 2 ईयर ट्रेड, और इसके बाद ऑल सेमेस्टर सिस्टम ट्रेनिंग सेशन 2014 से लेकर के 17। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सत्र बताए गए हैं, इन छात्रों का आईटीआई का ईडी प्रैक्टिकल का बैक परीक्षा कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब ये छात्रों को इंतजार है आईटीआई रिजल्ट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, आप लोगों का सुबह यानी मॉर्निंग में बैच में, और आपका इवनिंग बैच में आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑल सेमेस्टर का यहाँ पर ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम 6 फरवरी 2023 को फाइनली आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों का 6 फरवरी 2023 को फाइनली आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है, और 11 तारीख तक आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो ये छात्र लगातार पूछ रहे हैं जो एग्जाम देख रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा, तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का कॉपी चेकिंग जो होगा वो आप लोगों का यहाँ पर एग्जामिनर नोडल आईटीआई मार्क्स एंट्री, आप लोगों का 13 फरवरी से आप लोगों का आईटीआई का कॉपी रीचेकिंग, और आप लोगों का 28 फरवरी 2023 तक आप लोगों का आईटीआई का जो मार्क्स है वो एनसीबीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा नोडल आईटीआई के द्वारा। तो आप लोगों का 13 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप लोगों का कॉपी चेकिंग करके आप लोगों का एनसीबीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का रिजल्ट भी अपडेट कर दिया जाएगा, और आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेरेशन करने का जो डेट है वो आप लोग देखिए 8 मार्च 2023, यानी आप लोगों का 8 मार्च को आप लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और आप लोग वेट कीजिए, इंतजार करिए, क्योंकि अभी यह टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इस डेट में कोई भी बदलाव कर दिया जाए, और आगे जैसे ही कोई भी नोटिस या अपडेट्स आती है आप लोग के रिजल्ट रिगार्डिंग में, क्योंकि अभी तक आप लोगों का यही नोटिस आया है जिनका एग्जाम हुआ है बैक परीक्षा का फरवरी महीने में, तो आप लोग 8 मार्च का इंतजार करिए, तब आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आगे कोई भी नोटिस अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।